रमजान के सारे रोजे रखता हूँ, डायरेक्ट जन्नत में जाऊंगा, बहुत बड़ा लामा फहामा हूँ, डायरेक्ट जन्नत में जाऊंगा। नहीं नहीं समझो, अगर तुम्हारे पास नमाज रोजा हज ज़कात सब कुछ है, मगर माँ बाप में से एक भी कोई भी नाराज हो, चाहे माँ या बाप या दोनों, तो तुम्हारी नमाज बेकार, रोजा बेकार, हज बेकार, ज़कात बेकार, खाने काबा का तवाफ बेकार, सफा मरवा की सही बेकार, यानी हर इबादत बेकार, हर फर्ज बेकार, हर वाजिब बेकार, हर सुन्नत बेकार, हर नफल बेकार। तो रब फरमाना चाहता है, अगर तुम्हारे पास फराइज़ और वाजिबात की अदायगी मौजूद है, अगर तुमने 10 हज किए हो तो इतराने की जरूरत नहीं है। अगर तुम रातों रात सजदे करते हो, सजदों में तड़पते हो, चाहे क़याम करते हो, चाहे कुरान की तिलावत करते हो, मगर अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाराज है, तो समझ लो नमाज रोजा हज ज़कात सब कुछ बेकार है। अगर अपनी इबादत पे कबूलियत की मोहर लगवाना चाहते हो, अगर अपनी इबादत पे कबूलियत का ठप्पा लगवाना चाहते हो, उसके लिए जरूरी है, उसके लिए अहम है, सबसे पहले जहां तू नमाजी हो, माँ बाप तुझसे राजी हो, चाहे तू कितना बड़ा कुछ भी हो जाए, चाहे हरम में मर जाए, चाहे सजदे में दम तोड़ दे, चाहे तहज्जुद में दम तोड़ दे, अगर माँ बाप नाराज है, सजदा बेकार, तहज्जुद बेकार, हरम की हाजिरी बेकार, रोजा रसूल की हाजिरी बेकार, अगर अपनी इबादत को कबूल करवाना चाहते हो, तो जरूरी यह है माँ बाप को राजी कर लो। माँ बाप